नागपुर के गुरुद्वारा में री इलेक्शन आंदोलन किया गया। गुरुद्वारा की मुख्य सेवालाल जसपाल सिंह जो 2018 में चुने गए थे, हर साल 3 साल के बाद इलेक्शन होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए जब तक री इलेक्शन नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रखा जाएगा, ऐसा जनरल सिंह रेल ने कहा। ये हमारा आंदोलन है गुरुद्वारे के मुख्य सेवादार के कारण। हमारा जो हमने सेलेक्ट किए थे 18 में सरदार जसपाल सिंह जी, तो उनका 3 साल के बाद टर्न खत्म हो जाता है, तो उन्हें 3 साल के बाद इलेक्शन कराना चाहिए। और उनका एक्चुअल क्या है कि ना तो संविधान के साथ वो चले हैं, ना उन्होंने जनरल बॉडी की मीटिंग ली है, ना ही 3 साल में अकाउंट किया है। उसके बाद में कोरोना था इसलिए उसको 5-6 महीने के और एक्सटेंशन दिए, उसमें उन्हें कोई हिसाब नहीं दिए। उसके बाद उसने चैटी कमीशन किया हमको 1 साल की एक्सटेंशन चाहिए, तो चैटी कमीशन से ऑर्डर हुआ है कि तुम 31 मार्च के पहले इलेक्शन कराओ, तुम ना तो कोई प्रधान हो ना कोई उनका ऑर्डर से इसका। तो उसमें उन्होंने क्या किया 29 मार्च से डिक्लेयर कर दिया इलेक्शन के लिए, और उसके बाद में ना तो उन्हें कोई अकाउंट दिया। और जिस टाइम इलेक्शन शुरू होता है उसके लिए क्या रहता है हमारा प्रोसीजर, हमारे बायलॉज का कहना है कि जिस टाइम इलेक्शन चालू होगा जनरल बॉडी की मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर वो अपना पहले अकाउंट देता है और अपने पूरी कमेटी को डिसॉल्व करता है, उसके बाद में नया मौके का प्रधान चुना जाता है, वो भी एन गुरु अमरधारी चाहिए, उस प्रधान का सिलेक्ट होता है, उसके बाद वो मीटिंग चालू करता है। उन्होंने ना तो मौके का प्रधान चुना, ना ही उन्होंने मतलब इलेक्शन किया, उन्होंने अपने आप में बैठे एक आदमी ने बोल दिया कि ऐसा ऐसा है ये मौके का प्रधान है, उसने बोल दिया कि ये सिलेक्ट हो गया ये प्रधान है राजा को, यानी जसपाल सिंह को द्वारा उन्होंने अपने बैठ के बगैर किसी से यानी मेंबर से पूछे, यानी अनजस्टिफाई मैंने बायलॉज के बगैर आउट ऑफ वे जाकर उन्होंने उसको अपने आप को प्रधान को खुद ही कर दिया, संगत ने नहीं किया है। और उसके बाद में वो हमारा सबका अब यही कहना है, ये जो एजिस्टेशन है वो अपने उसके लिए रखेंगे भी तुम जो प्रधान बने हो गलत बने हो, तुम्हारे को संगत ने प्रधान नहीं बनाया, तुम ऐसा करो रिएक्शन कराओ जिसमें सब लोगों को पता लगे कि भी ये आंदोलन कब तक चलेगा। ये जब तक वो अपना रिएलेक्शन नहीं कराता, जब तक वो इलेक्शन नहीं कराता। परिचय दीजिए। मेरा नाम है जनरल सिंह रेहल, मैं एक्स प्रेसिडेंट गुरुद्वारा सिंह सभा कानपुर नाथपुर। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।